हमारे दर्शकों के सवाल भी आ गए हैं, उनको भी शामिल कर लेते हैं। हमने देखा है कि थायराइड की परेशानी जिन लोगों को होती है, अक्सर कैल्शियम की कमी भी रहती है और जिस कारण मसल्स में पेन, बोन में पेन रहता है, उसका भी समाधान बताइए। और साथ ही गोपाल के सवाल को भी शामिल कर लेते हैं। गोपाल की उम्र 55 साल है, कमजोरी की वजह से देर तक खड़े ये नहीं हो पाते हैं, तो मैं इसी बात का भी जिक्र कर रही थी, तो स्वामी जी इन्हें क्या करना चाहिए? तो गोपाल जी के से लेकर के और जो आपने पूछा ज्योत्सना जी, दोनों का ही सवाल का उत्तर दे देते हैं। विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा आदि की डेफिशिएंसी से पैरों में कमजोरी आती है। तो न्यूट्रिला ओमेगा या न्यूट्रिला डेली एनर्जी, ये तो रेडीमेड उपाय है। आयुर्वेदिक उपाय में त्रिदोषांग गुग्गुल, चंद्र प्रभाव टी, गोक्षर आदि गुग्गुल ये खाने के बाद ले लें और खाली पेट इम्यूनोग्रिट ले लें, इसी से ही पैरों की कमजोरी पूरी ठीक हो जाती है। यौगिक उपाय में पैरों को आगे पीछे जैसे दबाया, ऐसे ऐसे घुमाया और बटरफ्लाई की, इससे ये पूरी दूर हो जाती है पैरों की कमजोरी। और ये पीछे के जो चैनल होते हैं ये पॉइंट भी दबा लें। नहीं तो घरेलू उपचार में, होम रेमेडी में मैं बोलता हूँ एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी और हार जो है ये मोरिंगा मैजिक ट्री जिसको बोलते हैं सहजना, इन पांच का पानी पी लें। किसी भी प्रकार का शरीर में कोई भी दर्द शेष नहीं रहेगा, और हाथों में दर्द हो तो ये पीछे के चैनल दबा लें, बड़ा ज़बरदस्त है। तो छोटे छोटे उपाय करने से, त्रिदोषांग गुग्गुल लेने मात्र से नसनाड़ियों का, पूरा पैरों का दर्द दूर हो जाता है। तो ये जो आयुर्वेद है ना, आयुर्वेद आयु को बढ़ाने वाला, इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला और सब रोगों को से बचाने वाला, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुर से विकार प्रशमनम, चाह दोनों काम हो जाते हैं। प्राइमरी हेल्थ प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, कंट्रोल, क्योर, रिहेबिलिटेशन, पैलिएशन, एक्यूट मैनेजमेंट और सस्टेनेबल हेल्थ, नॉट ओनली फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल हेल्थ, सब कुछ योग से मिलेगा। तो गोपाल का भी समाधान बता दिया और एक रोग कैसे होते हैं उसका कारण और योग विज्ञान से उसका निवारण भी बता दिया। अगला प्रश्न आप ले लो। अगला सवाल स्वामी जी सतेंद्र का है। उनकी उम्र 26 साल है। वो ये कह रहे हैं उन्हें हाई बीपी की प्रॉब्लम है और उनका सिर हमेशा भारी रहता है, तो हाई बीपी को क्योर करना है और सिर का भारीपन मिटाना है, स्वामी जी उनके लिए उपाय बताएं। हाई बीपी तो एक क्षण में दूर हो जाता है और मैं सबसे आह्वान करूंगा, आज मैं भोर में आस्था पर भी अपने कार्यक्रम में आह्वान कर रहा था, अभी भी बोल दे रहा हूँ। देखो, जैसे आप मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, प्रीति जी कितनी प्रीति करती, ऐसे पति पत्नी एक दूसरे से प्रीति करें, एक दूसरे पर विश्वास करें, एक दूसरे को माने, मन में कोई उत्तेजना ना रखें, 99% बीपी इसी विचार से ठीक हो जाएगा। मैं कहता हूँ विचार ही सबसे बड़ा उपचार है, आहार ही सबसे बड़ा उपचार है। लौकी ले लें, लौकी का पानी पी, लौकी का जूस पी लिया, लौकी का सूप ले लिया, लौकी में थोड़ा तुलसी पुदीना आदि डाल दिया, क्या जबरदस्त उससे लाभ होता है। अभी तो वापस ये हरे आंवले भी आ गए, 12 महीने आंवले रहते हैं हमारे यहाँ, ओहो हो हो, खूब आनंद ही आनंद है। और आंवले का बाग इतना सुंदर लहरा रहा है, हरियाली देखो, इसी से बीपी ठीक हो जाता है। तुम में से बीपी एक तो इसका ठीक हुआ, ताराचंद का, और किस किस का ठीक हुआ बीपी, थायराइड कितनों को था, हे रामा, ये तो सारे ही 25 साल से, और इसको तो कैंसर भी हो गया था ना, कैंसर भी ठीक करके बैठी हुई है और बीपी भी ठीक करके बैठी हुई है, और सारी चीज़ें अनुलोम विलोम करो, चलो अनुलोम विलोम, शीतली शीतकारी, भ्रामरी उद्गीत, और ज़्यादा हो गया तो थोड़े दिन मुक्तावटी या बीपी ग्रिड, दो दो गोली खा लो, पूरी तरह से बीपी क्योर हो जाता है। ये एक ही नहीं, सबके समाधान बता दिया, और मन में विश्वास रखें और इंडिया टीवी पर भी विश्वास रखे, ज्योत्सना मीनाक्षी जी, प्रिया जी और स्वामी रामदेव की बातों पर भी विश्वास करें। स्वामी विश्वास, आपकी बातों पर वो ये हमें बीमारियों से उभारता है, जो न सिर्फ हम लोगों को एकात्म भाव से जोड़ता है, बल्कि स्वामी जी अगर दर्शकों का ये परिवार, अगर हम ये कहें, इतना बड़ा हो पाया है तो ये केवल विश्वास के बूते ही हो पाया है, और जो लाभ इस कार्यक्रम के जरिए लोगों तक पहुंच रहा है उसी के जरिए हो पाया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।